ज्यादा जानकारी के लिए इस लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना न भूलें, यह एकदम फ्री है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 80 व 90 के दशक के सुपरस्टार संजय दत्त का फिल्मी करियर उनके जेल जाने के बाद से धीमा पड़ गया था। आलोचक ने तो संजय को लेकर यह तक कह दिया था कि अब उनका करियर खत्म, लेकिन अगर आप संजय बाबा के फैंस हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि अगले 3-4 साल में संजय दत्त के पास लगभग एक दर्जन फिल्में हैं। इनमें से कई फिल्मों की शूटिंग शुरू भी हो गई है। 1959 को जिनमें संजय दत्त ने अपने करियर की शुरुआत 1981 में फिल्म रॉकी से की थी। संजय दत्त फिल्म अभिनेता सुनील दत्त व अभिनेत्री नरगिस के बेटे हैं। वे अब तक नाम कब्जा, सड़क, विजेता, हथियार, खलनायक जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी फिल्म मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई काफी सराही गई। संजय दत्त एक्शन के साथ साथ अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए भी काफी सराहे गए हैं। वे जोड़ी नंबर एक, हसीना मान जाएगी, धमाल, ऑल द बेस्ट जैसी फिल्मों में कॉमेडी कर चुके हैं। संजय दत्त की आने वाली फिल्में। एक, भूमि 2017। उमन कुमार द्वारा निर्देशित भूमि 22 सितंबर 2017 को रिलीज होनी है। फिल्म में संजय के उपोजित श्रेयसा सहगल है। दो, मुन्ना भाई 3 2018। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित यह फिल्म मुन्ना भाई MBBS का तीसरा भाग है। इससे पहले दो भाग 2003 व 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज हुए थे। फिल्म में मुख्य किरदार में संजय के साथ हर्षद वारसी है। फिल्म 2018 में रिलीज होनी है। जेबों में बिखरे हैं तार।